जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर मुहैया करवाने का आरोप लगा है, बल्कि इस मामले को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। खास बात तो यह है कि एल्विश विवादों के चलते भी चर्चाओं में अक्सर बने रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसे विवाद की वजह से चर्चा में बने हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, वो भी 2 से 7 साल के लिए। हालांकि एक वीडियो के जरिए एल्विश यादव ने अपने आप को पूरी तरह से बेकसूर बताया है। साथ ही एल्विश यादव का कहना है कि अगर उन पर आरोप सही साबित हुए तो वो हर सजा को भुगतने के लिए तैयार भी हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं एल्विश यादव ने इस पूरे मसले पर क्या सफाई दी है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। एक तरफ एल्विश यादव अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं, तो वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। मेनका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ साथ मेनका गांधी ने कहा है कि एल्विश को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये Grade 1 अपराध है, यानी 7 साल की इसमें जेल है। PFA ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ा है, और वो अपने वीडियो में सांपों की लुप्त प्राय प्रजातियों का उपयोग करते हैं। बाद में हमें पता चला कि वो नोएडा गुरुग्राम में सांपों का जहर बेचते हैं, ये कहना है मेनका गांधी का। आइए आपको सुनाते हैं मेनका गांधी ने और क्या कुछ कहा। PFA ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून सबके लिए समान है और कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है, और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है, और मैं समझता हूं पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने के मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें इस मामले में बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि अभी एल्विश यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल अब देखना होगा कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी कब तक होती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।